डियरूडेंट यू हैव स्टार्टड चैप्टर नंबर थर्टीन मोशन एंड टाइम और हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है मोशन का दैट वॉट डू अंडरस्टैंड बाई मोशन एंड वॉट आर द डिट टाइप्स ऑफ मोशन सो अंडर द हेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव स्टडीड द रेक्ट लीनियर मोशन पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में वॉट ड्यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इज स्पीड एंड वॉट इज द फॉर्मूला सो स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिविन टाइम दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और हमने इसमें यह भी स्टडी किया कि मोशन आपका एक यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आता और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में यूनिफॉर्म मोशन वैन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट दैन दैट मोशन इज टर्म टू बी द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ़ टाइम कि हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं सिंपल है ये हम लोग टाइम को मेजर करते हैं अपनी क्लॉक्स ऑन वॉचेस की हेल्प से एंड देन क्लॉक्स एंड वॉचेस मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन आपके पास स्टॉप वॉच होती है उससे हम उसकी हेल्प से हम करते हैं टाइम आपके पास ऑटोमेटिक जो है वॉचेस होती हैं उनकी हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं आपके पास नॉर्मल एनालॉग डिजिटल ये सारी के सारे वॉचेस जो हैं दीज ऑल आर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ वॉचेस आर यूटिलाइज और स्टॉप वॉचेस यूटिलाइज टू कैलकुलेट द टाइम तो ये तो हम लोगों को पता ही है सिंपल सा नेक्स्ट कम्स सिंपल पेंडुलम की वॉट डू अंडरस्टैंड बाई सिंपल पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम हैज़ ए स्मॉल मेटेलिक बॉब ये जो एक स्मॉल छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉब जिसको कि एक थ्रेड से आप सस्पेंड करते हैं टांग करके रखते हैं ठीक है अब इफ़ द बॉब इज़ टेकिन टू वन साइड एंड रिलीज अब इस बॉब को अगर हम एक साइड में ले कर जाएँ सपोज इट इज़ औरिजनली एट द पॉइंट ओ और मिडिल में ओ पे हैंग्ड है वो और आप उसको बी साइड में ले के जा रहे हैं एंड देन यू रिलीज इट ये जो बॉब है कि मूव करना शुरू होगा टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है एंड इट इज़ टर्म टू बी द पीरियोडिक मोशन और द ऑसलेट्री मोशन ओके तो आपका सिंपल पेंडुलम किस चीजों किन चीज़ों से बना हुआ है एक स्मॉल मेटेलिक बॉल बॉब और जो कि आपके एक थ्रेड से सस्पेंडेड रहता है नेक्स्ट देखते हैं इसी में ऑसिलेशन जो चीज़ मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाई है सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर है व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम द मेन पोजिशन ओ टू ए एंड टू बी एंड बैक टू ओ मतलब वही आपका मोमेंट बैक एंड फ्रोथ मोमेंट इसको हम क्या बोलेंगे वन ऑसिलेशन ठीक है ओ से स्टार्ट होकर के ए पे जाएगा ए से बी पे जाएगा एक्सट्रीम पोजिशन एंड देन बैक टू द मेन पोजिशन ओ जब आपका बॉब आ जाएगा दैट विल कम अंडर द वन ऑसोलेशन सो वैन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड देन बैक टू ए इट इज़ कॉल्ड वन ऑसोलेशन नाउ अब हम टाइम पीरियड को डिफाइन करना है वॉट इज दैट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसोलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड अब ये जो एक ऑसोलेशन था जिसमें कि बॉब आपका मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन जा रहा था एक्सट्रीम पोर्शन से वापस एक्सट्रीम पोर्शन एंड देन बैक टू द मेन पोजिशन आ रहा था उतना एक ऑसोलेशन को कम्प्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ओके स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी इससे रिलेटेड करेंगे थैंक यू वेरी मच